कि मेरे माँ बाबा को अगर तुमने पूज लिया तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को डायरेक्ट याद करके जब हमें सब कुछ मिल सकता है तो रूट क्यों चेंज करें? क्योंकि कैंसर फैल रहा था उनको, नानी को अंदर अंदर ये सब रोग का सटाए गए उनके। पिताश्री नानी के पक्ष में कौन कौन है बेटा? अभी पिताश्री दो बहनें हैं, माँ को लेके और मौसी को लेके। तो आपको तो सब पता ही पिताश्री, मौसी ने नानी को छोड़ दिया था। और मैं पुरानी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप पिताश्री कहते हैं कि पुरानी कोई भी स्मृति का डिस्कस नहीं करना है। तो हम लोग नानी को अपने पास रख लिए, लेकिन एक गुरु परंपरा से वो जुड़ी हुई है। हालांकि दरबार आने से पहले मैंने उन्हें समझाया कि मेरे माँ बाबा को अगर तुमने पूज लिया तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को डायरेक्ट याद करके जब हमें सब कुछ मिल सकता है तो रूट क्यों चेंज करें। तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। तबीयत सही नहीं था पिताश्री, इसलिए मैं उनकी जगह पे आ गया, उनका मन था। अच्छा किया, अच्छा किया बेटा। अब एक महावन उनका संकल्प करके कर लेना, ठीक है? उनको आवश्यकता है क्योंकि कैंसर फैल रहा था उनको, नानी को अंदर अंदर ये सब रोग का सटाए गए उनके, ये सारे कष्ट ये सब नष्ट किए गए, ये तमाम कष्ट थे उनको। है ना, तो एक महावन की स्लिप ले लो, तो नानी का उनका संकल्प लेके एक महावन भी कर लेना। बोले बाबा एक चीज़ और, मेरा एक साल से जॉब नहीं लगा था, तो उस दौरान दरबार में महासम्मेलन था, उस दौरान मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरी जॉब फाइनल हो गई जो इतने सालों से रुकी हुई थी। अब पिताश्री अब ये महावन तो करना चाह रहा, पर मैंने टिकट किया हरिद्वार का। कोई बात नहीं, संकल्प केवल संकल्प कर लो कि करना है तो पुण्य मिल जाएंगे, स्लिप रखे रहना, जब समय मिले तब आगे कर लेना। हाँ हाँ। और भोले बाबा कुछ अध्यात्म से जुड़ी अपनी कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो सब पता है, मैं तो नादान हूँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। पिताश्री पिछले सितंबर में मैंने तंत्र दीक्षा लेवल 1 लिया आपके आशीर्वाद से, बाबा माँ के प्रेम में। मुझे नहीं पता पिताश्री कि किस जगह मैं ठहर गया हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ पिताश्री कि मेरा सही तरीके से दरबार परीक्षण करे और मुझे सेकंड लेवल अक्टूबर में मैं चाहता हूँ बाबा माँ। और यही रहो, ऐसा था बहुत एनर्जी तुम्हारे पास है। अभी क्या हो रहा है कि परिवार के जो और लोग जुड़े उनकी गंदगी और कष्ट तुमसे होके निकलते थे, इसलिए डिस्टर्बेंस था ये, है ना? अभी सब ये गंदगी सब जा चुकी है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है? भोले बाबा अक्टूबर में मैं सेकंड लेवल के लिए प्रयास करूंगा। बिल्कुल आओ, खुश रहो।